तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं और पूछे गए आपके प्रश्न हैं, तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। पर आपका पहला प्रश्न कह रहा है आपसे कि डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी अब बनाता है या प्रदान करता है। तो जो आपका वाराणसी का लोकोमोटिव है ये आपका वर्तमान में क्या बनाता है, यहाँ पर आपके चार ऑप्शन हैं। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। आपके UPPCS 2017 में पूछा गया था और जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। याद रखिएगा कि जो आपका डीजल लोकोमोटिव वर्क है अब वर्तमान में डीजल एवं बिजली इंजन दोनों ही बनाता है, याद रखिए सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर। कह रहा है आपसे उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका आंसर आपको दिख गया है कि वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्था की स्थापना जब की गई थी वो आपकी की गई थी 1983 में। कब की गई थी, 1983 में आपकी की गई थी। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, चलिए कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया। तो सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया है कहाँ पर किया गया है आपका, तो आठ का जवाब आपका हो जाएगा सी नंबर, आपके अलीगढ़ में। कहाँ पर किया गया है, आपके अलीगढ़ में किया गया, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, चलिए यहाँ पर आपको मिलान करने के लिए पूछा गया है जो कि आपकी ऊर्जा संसाधन से है, खनिज उत्पादन से है। और यहाँ पर देख लीजिए कि कौन सी आपका जो क्षेत्र है और खनिज आपका क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ पर देखते हैं आपका कौन सा आपका जिला है जहाँ पर आपके खनिज तत्व पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा जो आपका पाया जाता है चूना पत्थर, सोनभद्र में पाया जाता है चूना पत्थर, इसका आपका हो जाएगा फोर। ठीक है, और इसके बाद अगर देखा जाए आपका यहाँ पर इस प्रकार से है, इसका आपका हो जाएगा फोर। और कह सकते हैं जो आपका इलाहाबाद है तो इलाहाबाद में आपके सीसा और बालू मिलता है, ठीक है, इसका आपका सेकेंड ए हो जाएगा। ललितपुर की अगर बात करें तो ललितपुर में आपका तांबा मिलता है, ठीक है, इसका फर्स्ट हो जाएगा। और मिर्ज़ापुर आपका जो है वो आपके नॉन प्लास्टिक फायर के लिए जाना जाता है, तो इसका जवाब आपका हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो बनेगा वो आपका कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन आपके यहाँ पर बन जाएगा डी नंबर। ठीक है, 4212 आपका डी नंबर आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप मिलान भी कर सकते हैं, ठीक है, PDF आप टेलीग्राम पे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला जवाब दीजिए कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, चलिए यहाँ पर जवाब देना आपको इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार जो पाए जाते हैं यहाँ पर, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, सिंगरौली क्षेत्र। ठीक है, कहाँ पर आपके आपके सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में आपके पाए जाते हैं, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। भाई यहाँ पर डी मत लगाइएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश की बात किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपको मिलान करना है और देख सकते हैं कि आपके जो खनिज है और प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र जो आपके हैं। तो यहाँ पर आपका ग्रेनाइट, ग्रेनाइट आपके कहाँ पर है, तो ग्रेनाइट आपका पाया जाता है आपके बांदा में, ठीक है। और डोलोमाइट की अगर बात करें तो डोलोमाइट आपके सोनभद्र में पाया जाता है, इसका आपका सेकंड हो जाएगा। अगर बात करें सिल्का सैंड की, ये आपके कहाँ पर है, तो आपके सिल्का सैंड आपके प्रयागराज में, और बागसाइट तो बागसाइट आपके चित्रकूट में, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो आपका जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 3142 हो जाएगा, ठीक है, 3142। और यहाँ पर देख सकते हैं 3142 ऑप्शन राइट आपका बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपको मिलान करना है और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, देख सकते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, मतलब कह सकते हैं कि जो आपका सोनभद्र है, ठीक है, अर्थात सोनभद्र आपका यहाँ पर चूना पत्थर हो जाएगा, है ना, और इसका आपको फोर हो जाएगा। और जो आपका है यहाँ पर, सॉरी, सोनभद्र में आपका तांबा होगा इसमें, ठीक है, थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा ऑप्शन दिख जाए इस हिसाब से, पाँच में यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं। देखिए सोनभद्र जो आपका है वो आप चूने पत्थर के ही है, ठीक है, इसका आपका फोर हो जाएगा। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में आपका कौन सा है, तो प्रयागराज में आपका है ये आपका हो जाएगा ग्लास सैंड हो जाएगा, ठीक है, प्रयागराज में आपका ये आपका थ्री हो जाएगा।
और जो ललितपुर है तो ललितपुर किस लिए भाई आपका हो जाएगा, तो आपका ये आपका हो जाएगा तांबे के लिए, ठीक है, ललितपुर आपके तांबे के लिए हो जाएगा। और जो मिर्ज़ापुर है तो मिर्ज़ापुर आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा नॉन प्लास्टिक का हो जाएगा, ठीक है। तो फाइव का जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख लीजिए, इस प्रकार से आपका यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आंसर आपको दिख गया है कि उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ तांबा पाया जाता है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में एक ऐसा ही क्षेत्र जो मात्र है वो आपका कौन सा है, ललितपुर है, जहाँ पर आपका तांबा क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है। तो तेल रिफाइनरी के लिए आपका जो प्रसिद्ध है वो आपका कौन सा प्रसिद्ध है भाई यहाँ पर। चलिए यहाँ पर 11 का जवाब देना है। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, चलिए सही है, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर 11 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, ठीक है, बिल्कुल सही है, डी नंबर आपका हो जाएगा। मथुरा क्षेत्र जो है ये आपके रिफाइनरी उत्तर प्रदेश के लिए आपका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। 12 का जवाब देना है आपको, और यहाँ पर 12 का भी ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, आपके मथुरा में ही है, ठीक है, कहाँ पर है, आपके मथुरा में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है। तो भाई इसका भी जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, आपके मथुरा में, ठीक है, मथुरा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है। देख सकते हैं कि बार बार क्वेश्चन आपके हर ईयर में पूछा गया है आपके, ठीक है, मतलब 15, 16, 17, 18, 19 तक में ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, आपके मथुरा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मथुरा जो कि डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएँ किसके द्वारा स्थापित की गई हैं। तो मथुरा और डिगबोई में जो और पानीपत में जो परिष्करण शालाएँ आपके हैं वो आपके किसके द्वारा की गई हैं। 15 का ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर देख सकते हैं, सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा आपकी कह सकते हैं ये आपकी स्थापित की गई है मथुरा डिगबोई और आपके पानीपत में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं, ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट जो बनाए जाते हैं कहाँ पर बनाए जाते हैं। 16 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो भाई 16 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा ललितपुर में, ठीक है, कहाँ पर, तो आपके ललितपुर में। और याद रखिएगा ललितपुर में आपके देख सकते हैं कि आपके रॉक फास्फेट, तांबा, डायस्पोर, प्लेटिनम, पैलेडियम और ग्रेनाइट ये चीज़ आपके हैं। डायस्पोर जो आपके है वो आपके झांसी क्षेत्र में आपका पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बेराइट तथा एंड्रालूसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं, बेराइट तथा एंड्रालूसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं। 17 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा भाई, आपके लोअर टू में क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ललितपुर में, ठीक है, कहाँ पर, आपके ललितपुर हो जाएगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा ललितपुर में, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका वर्तमान 2019 के अनुसार सोनभद्र क्षेत्र में डोलोमाइट, बेराइट, एंड्राइट और आपका पैराइट, मिर्ज़ापुर में आपका हीरा पाया जाता है और आपका सैंडस्टोन और आपका संगमरमर वगैरह पाया जाता है, ठीक है। बांदा में देख सकते हैं कि बांदा में आपके ग्रेनाइट, चाइना के लिए गेरू और आपका डोलोमाइट, अर्थात गेरू भी क्वेश्चन आपका पूछ लेता है तो आपके बांदा में हो जाएगा, ठीक है। इलाहाबाद की अगर बात करें अर्थात प्रयागराज में, तो पोटास और कांच बालू आपकी, ठीक है। ललितपुर में देख सकते हैं आपकी सोना, बॉक्साइट, रॉक फास्फेट, लॉग, ग्रेनाइट, यूरेनियम, तांबा, ठीक है। और झांसी में आप देख सकते हैं जिसमें से आपका डायस्पोर, सेलखड़ी, खड़िया आदि आपकी चीज़ पाई जाती है झांसी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका कहाँ से नहीं गुजरेगा, यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, सही जवाब आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर, आपके बस्ती से नहीं गुजरेगा, याद रखिएगा बस्ती से नहीं गुजरेगा।
और इसका जो देख सकते हैं उद्घाटन आपका 14 जुलाई 2018 को आपको प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, पूर्वांचल मार्ग एक्सप्रेस, ठीक है। और ये आपके लखनऊ, गाजीपुर, अमेठी, आजमगढ़, फैजाबाद, बारंकी, मऊ, अम्बेडकर नगर और के सुल्तानपुर से होकर गुजरेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई है वो आपकी कितनी लंबाई है। टू का सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर आपका टू का सही ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका ये आपकी 300 किलोमीटर, ठीक है। 300 किलोमीटर आपका लगभग आपके यहाँ पर देख सकते हैं, देखो 302 किलोमीटर लगभग है, ऑप्शन के अनुसार आपको यहाँ पर लगाना है, ए नंबर आपको लगाना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको आवाज़ थोड़ी सी ढोलक वगैरह की आ रही होगी, फंक्शन वगैरह चल रहे हैं इस समय। चलिए यहाँ पर आपका दिया गया है सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड, नगर और आपका हवाई अड्डा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा हवाई अड्डा किस नगर में आपका उपस्थित है। तो यहाँ पर देखिए लखनऊ, लखनऊ में आपका जो है लखनऊ में आपका अमौसी एयरपोर्ट, ठीक है। वाराणसी में अगर बात करें तो वाराणसी में आपका है बाबतपुर, ठीक है, ये आपका हवाई अड्डा है। कानपुर की बात करें तो कानपुर में आपका चकेरी है, और आगरा की बात करें तो आगरा में आपका है खेरिया, ठीक है, खेरिया। इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो जाएगा 3142 ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है, ये मिलान आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो यहाँ पर गंगा नदी के राष्ट्रीय कह सकते हैं गंगा नदी के निम्नलिखित किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था आपके ऑप्शन राइट फर्स्ट हो जाएगा, वेरी गुड, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा आपके प्रयागराज से हल्दिया तक, ठीक है, ये आपके प्रयागराज से हल्दिया तक, और ये प्रयागराज आपके उत्तर प्रदेश मतलब और हल्दिया आपके पश्चिम बंगाल, ये आपका है इसे वाटर हाईवे नंबर वन अर्थात कह सकते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर वन आपका इसे बोला गया है, ठीक है, और 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई आपकी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश की किन दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 लेन आपका ये है गंगा एक्सप्रेसवे है, और ये आपके जो कहाँ किसके किसके बीच आपका होगा, यहाँ पर 9 का जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये आपका जो है 8 लेन आपका है ये आपके नोएडा और गाजीपुर, ठीक है, कहाँ से कहाँ के बीच में, तो आपके कह सकते हैं जो आपका ये है आपके कह सकते हैं कि गाजीपुर वर्तमान बलिया तक आपका जाएगा, नोएडा से आपके आपके गाजीपुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जनरथ नाम दिया गया था, जनरथ नाम जो दिया गया था किसका दिया गया था, 10 का जवाब देना है, जनरथ है क्या, तो भाई जनरथ जो आपका है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा है, ठीक है। तो जनरथ नाम किसका दिया गया है, उत्तर प्रदेश में निम्न लागत वाले आपके एसी बस सेवा का नाम दिया गया, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। कह रहा आपसे यमुना एक्सप्रेस वे है, यमुना एक्सप्रेस वे है, तो भाई यमुना एक्सप्रेस वे किस किस के बीच की दूरी आपका बनेगा, ये कह सकते हैं आपका बन चुका है, तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट हो जाएगा बी नंबर, आपके ग्रेटर नोएडा से आपके आगरा तक आपका एक्सप्रेस वे आपका यमुना एक्सप्रेस वे आपका होगा, ठीक है, और 165 किलोमीटर कितना है भैया, तो आपके 165 किलोमीटर के लंबी आपकी द्रुतगामी आपकी सड़क है जो कि ग्रेटर नोएडा से आपके आगरा तक है, ठीक है, और ये 6 लेन आपकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक मेट्रो का चलना प्रस्तावित है, और ये आपके कह सकते हैं कि 2008वें क्वेश्चन पूछा गया था, और ये कह सकते हैं कि ये आपके 2012 में पूछा गया था, ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं 12 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर भैया, ट्रांसपोर्ट नगर से चार बाग है, ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, यूपीटोलसी फॉरेस्ट गार्ड में, तो आपके ट्रांसपोर्ट नगर से आपके चार बाग तक आपका है जो कि आपको कह सकते हैं ये पहले आपका था, ये प्रथम चरण में था, ठीक है, और ये आपकी वर्तमान में लखनऊ में चल रही है, ठीक है। चलिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। तो यमुना एक्सप्रेसवे है जो आपका बनाया गया है किन दो के बीच में है, 13 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, आगरा और नोएडा के बीच में, ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आगरा और नोएडा के बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जुलाई 2018 की स्थिति अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, ये आपके जुलाई 2018 के अनुसार है, और सबसे ऊंचाई वाली आपकी जो सड़क है वो आपकी कौन सी है,
यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका 14 का हो जाएगा, कौन सा? ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, यूपी गेट से गाजियाबाद में राजनगर विस्तार आपका है, ठीक है। बी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ये आपकी है कह सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कब किया गया था। तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं आपके अखिलेश यादव जी द्वारा किया गया था, और ये किया गया था आपकी ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर 9 अगस्त 2012 को, ठीक है, 9 अगस्त 2012 को। तो भाई थोड़ा शोर हो रहा है तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में, और आप लोग जाते जाते वीडियो लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि पीडीएफ आपको वहाँ पर दे सकें, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, जय।